हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारे दूसरे मेथड की जिससे हम मीन निकाल सकते हैं। हमारा दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा भी मिलेगा कि अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड एक ही हैं, ये सिनोनिम्स हैं। राइट, आप इसको शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं और अज्यूम मीन मेथड भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमने पढ़ा था कि बहुत छोटे छोटे से अपने जो थे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 क्लासेस थी। राइट, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो भी बहुत कम थी, 2, 3, 5 कुछ इतनी थी। तो हमें क्या हुआ कि जब प्रोडक्ट निकालने की बात आई एफएक्स, तब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई, है ना। मतलब कैलकुलेशन करने में हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बट जब हम बात करते हैं बड़े डाटास की, है ना, जब फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा आ जाती है, जैसे 15, 25, 35, 45, और जो हमारी क्लासेस है वो भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, है ना, जैसे 45, then 55, then 65, है ना। तो क्या होगा जब उस समय की बात आएगी, तब हमारा क्या होगा, जब हम प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे एफ और एक्स का, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तब हम कौन सा मेथड करेंगे, ये अज्यूम मीन मेथड यूज़ करेंगे। और अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आप इसको अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप अज्यूम मीन मेथड से ही उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उसको डायरेक्ट मेथड से नहीं करना है। ठीक है, जब स्पेसिफाइड हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि क्या होता है। ये तो समझ में आ गया कि अपन को इसको यूज़ कब करना है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि इसका एक नया फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। मीन निकालने का इस मेथड का एक नया फॉर्मूला है, मीन एक्स बार। मीन को क्या कहते हैं, एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो इसका ये नया फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसमें से ए क्या है, ठीक है ना, ए क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। इस ए क्या है, अज्यूम्ड, ये क्या होता है, अज्यूम होता है। और ये कहाँ से अज्यूम होता है, ये आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना, ए की वैल्यू कोई से भी ले सकते हैं। बट हम क्या प्रिफर करते हैं कि हम क्या करें, ए को क्या है कि कोई भी एक वैल्यू एक्स आई की ले लें, ठीक है ना, एनी वन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। मोस्टली प्रिफर करते हैं कि मिड वैल्यू लें, ठीक है ना, जितने भी एक्स गिवन है एक्स आई, तो कोई भी एक एक्स आई वैल्यू हम ए सपोज कर लें, ठीक है ना। और डी आई अपन ने जब पढ़ा था तब था समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई डायरेक्ट मेथड में। अब क्या है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब ये डी आई क्या है, डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए हमारा क्या है, डी आई है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा वो, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक टेबल गिवन है, ठीक है ना, एक्स आई है, जो हमारे एक्स हैं वो क्या है, 15, 20, 22, 24, 25, 30 33, 38, ठीक है। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है एफ है, ठीक है, एफ है हमारी 5, 8, 11, 20, 5, 8, 11, 20, फिर है 23, 18, 23, 18, 13 and 2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीन, हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीन। अब है ना, अगर अपन देखेंगे ना, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ जा रही है ना, थोड़ी सी टफ जा रही है। जैसे कि 25 into 23, 30 into 18, 33 into 13, इनको क्या करने में टाइम लगेगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसमें अज्यूम मेथड यूज़ करते हैं। अब अज्यूम मेथड का सबसे क्या तरीका है कि ए सपोज करो। अब इसमें तो देखो, ये एक्स में से जितनी भी वैल्यूज है ना, उनमें से कोई भी एक ए सपोज कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। वैसे हम क्या करते हैं कि मिड वैल्यू लेते हैं, मिड वैल्यू या तो आप 24 ले लो या 25 ले लो, ठीक है ना। तो ये जो 25 है इसको मैं ए अज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है ना, ओके।
तो अब क्या होगा कि जो मेरा अब मैं निकालूंगी डी आई, अब क्या होगा डी आई निकलेगा जो कि क्या होता है एक्स आई माइनस ए होता है। तो क्या करो एक्स आई में से हर एक्स आई में से ए, ए क्या सपोज हो रहा है 25, 25 माइनस कर दो, हर एक्स आई में से 25 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये 15 है, फर्स्ट एक्स आई कितना है 15, तो 15 माइनस 25 कितना हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, फिर 20 माइनस 25 कितना हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, फिर 22 माइनस 25 कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 24 माइनस 25 कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 33 माइनस 25 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 38 माइनस 25 ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या आ गए, ये सारे डी आई आ गए, माइनस 10 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 0 5 8 13, ठीक है ना। तो ये अपने डी आई आ गए। अब बात करते हैं एफ आई डी आई। अब एक्स आई का कोई रोल नहीं है, अब अपना एक्स आई का रोल नहीं है। देखो अब डी आई की वैल्यू कितनी सिंपल सी हो गई, माइनस 10 माइनस 5 माइनस 3 1 5 8 13। तो अब क्या है कि अपनी कैलकुलेशन ईजी हो गई, राइट। तो अब क्या है कि अब एफ आई डी आई निकालते हैं। अच्छा एफ आई डी आई मतलब 5 इंटू माइनस 10, ये 5 एफ है ये डी है, तो 5 इंटू माइनस 10 कितना हो गया माइनस 50 हो गया, ठीक है ना। फिर ये 8 इंटू माइनस 5 कितना हो गया माइनस 40 हो गया, 11 इंटू माइनस 3 कितना हो गया माइनस 33 हो गया, 20 इंटू माइनस 1 कितना हो गया माइनस 20 हो गया, और 23 इंटू 0 0 हो गया, 18 इंटू 5 90 हो गया, 13 इंटू 8 ये कर लेते हैं, तो 13 इंटू 8 8 थ्री ज़ा 24, ठीक है, 8 वन ज़ा 8 तो ये 104 हो गया, ठीक है ना, और 2 इंटू 13 26 हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारी क्या हुआ, कैलकुलेशन ईजी हो गई, प्रोडक्ट निकालना ईजी हो गया, है ना। अच्छा अब क्या निकालना है, मीन का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, एक्स बार ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है ना। तो अब इसमें वैल्यूज डालनी है हमें, तो ये तो मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, ठीक है ना। अब अच्छा चलो अब निकालना है समीशन, तो समीशन ऑफ एफ आई निकालना है, तो एफ आई का समीशन निकाल देते हैं अपन, है ना। 5 + 8 कितना हुआ 13, 13 प्लस 11 कितना हुआ 24, 24 प्लस 20 कितना हुआ 44, 44 प्लस 20 कितना हुआ 64, 64 प्लस 3 67, ये कितना हुआ 77, 77 प्लस 8 कितना हुआ 77 प्लस 8 85, 95, 98 प्लस 200, तो टोटल कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है ना। समीशन ऑफ एफ आई तो क्या आ गया 100 आ गया, चलो हो गया अपना काम। अब एफ आई डी आई निकालना है, तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखना इधर माइनस 50 और माइनस 40 आपको माइनस 90 देंगे, ठीक है। तो ये माइनस 90 ये माइनस 90 से ये 90 कैंसिल, है ना, माइनस 90 प्लस 90 ज़ीरो होता है ना। फिर उसके बाद ना बात क्या आती है कि ये माइनस 20 और माइनस 33 ये तो आपको देंगे माइनस 53, है ना। इन दोनों का जो सम होगा वो तो माइनस 53 हो जाएगा, और इन दोनों का सम अपन कर ही लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 104 प्लस 26, तो ये 110 हो जाएगा, 110 130 हो जाएगा, है ना। अब 130 में से सिंपली क्या करना है माइनस 53 कर दो, है ना। 130 में से 50 गया कितना बचा 80 बचा, है ना, और 80 में से 3 गया 77 बचा, तो ये कितना आ गया 77 आ गया, है ना। ओके बस इसको डाल दो यहाँ पे। तो ए क्या अज्यूम किया था अपन ने, ए क्या अज्यूम किया 25, है ना, 25 ए अज्यूम किया, तो 25 प्लस उसके बाद में समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 77, तो ये रहा 77, ठीक है, और समीशन ऑफ कितना है 100 है, ठीक है ना। तो अब बस सिंपली इसको ऐड कर देते हैं, अपना आंसर आ गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 77 अपॉन में 100, तो 0.77 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 25.77, और ये हमारा क्या हो गया मीन हो गया, ठीक है। आप ये मेथड यूज़ करें या डायरेक्ट मेथड यूज़ करें, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे,
ठीक है ना। बस आपको देखना है कि वैल्यूज़ कैसी हैं। अगर वैल्यू छोटी है डायरेक्ट मेथड यूज़ करिए, अगर वैल्यूज़ बड़ी हैं तो अज्यूम मेथड यूज़ करिए। और क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन में लिखा है अज्यूम मेथड से करो, आप डायरेक्ट मेथड से करके आ गए तो जीरो मार्क्स है, अगर आपका आंसर सही भी है तो, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं लग पढ़ देती हूँ। बिल्कुल सेम मेथड ही करेंगे अपन, है ना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 to 15, ये पूरा रब कर देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले है क्लास, ठीक है। अब क्लास वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। क्लास है 10 to 15, 10 to 15, 15 to 20, देन 20 to 25, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, ठीक है। ये तो क्लास हो गई। अच्छा क्लास है तो हमें एक्स निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। सेम मेथड है क्लास मार्क निकालने का जो हम डायरेक्ट मेथड में यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो एक्स का मैं अभी कॉलम बना देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ से एफ़ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो एफ फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 8, 12, 6, 3, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। फाइंड द मीन, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन, ठीक है ना। तो मैं ये वाला पार्ट भी रब कर देती हूँ, ये फॉर्मूला तो यूज़ आएगा, ठीक है ना। तो इसको रब नहीं करते, ठीक है। अच्छा एक्स तो अपन को निकालना आता है ना। एक्स क्या है, एक्स क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू, तो पहले का निकाल लेते हैं। तो 10 + 15 / 2 तो कितना हो जाएगा, 25, 25 / 2 इज़ 12.5, है ना। तो 12.5, तो यहाँ पे 12.5, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमें ए अज्यूम करना है, ठीक है ना। बाकी ऐसा कोई चेंज। नेक्स्ट है 15 और 20, तो 15 + 20 / 2 तो कितना हो जाएगा, 35 / 2 मतलब 17.5, है ना। तो क्या हो रहा है, प्लस फाइव ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो पैटर्न देखो, 12.5 था फिर 17.5 हुआ, अब वापस से प्लस फाइव ऐड कर दो, ठीक है ना। बार बार ये वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, ये टाइम कंज्यूमिंग है। आप तो पैटर्न फॉलो करो, देखो डिफरेंस कितना चल रहा है, 5 का, तो 17 में फिर 5 ऐड कर दो तो 22.5, फिर 5 ऐड कर दो 27.5, फिर 5 ऐड कर दो 32.5, फिर 5 ऐड कर दो कितना हो गया, 37.5, डन, है ना। दो का निकालो, पैटर्न देख लो कि क्या डिफरेंस चल रहा हो, बाकी सब का भी एज इट इज निकाल दो। अच्छा अब देखना ध्यान से कि अगर मैं इस हिसाब से कैलकुलेशन करने लगी ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। 12.5 × 5, 17.5 × 6, 22.5 × 8, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी मेरे लिए, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ कि कोई ए सपोज़ कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो डी आई निकाल लेते हैं, अज्यूम मीन मेथड से करेंगे इसको भी। तो एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो ए क्या अज्यूम करें, ए मिड वैल्यू अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो वो ईजी पड़ता है कहीं ना कहीं, तो मैं यूज़ अज्यूम कर लेती हूँ 27.5, ठीक है ना। तो मेरा ए कितना है, 27.5, तो एक्स आई माइनस 27.5 करते हुए जाओ, ठीक है ना। डायरेक्टली करेंगे आप तो यहाँ से क्या होगा कि 12.5 - 27.5, ठीक है ना। 12.5 - 27.5 कितना हो जाएगा ये अपना, ये कितना दे देगा आपको 5.50, फिर उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5, और ये 15, ठीक है ना। तो ये माइनस 15 दे देंगे, फिर 27 ये माइनस 10 दे देगा, ठीक है ना। पैटर्न चलेगा प्रॉपर पैटर्न चलेगा, देखो माइनस 15 माइनस 10 नेक्स्ट माइनस 5 होगा फिर 0, देख लो 27.5 - 27.5 0, फिर ये कितना होगा 27.5 और ये 5, ठीक है, और ये 10, देखो 5 का गैप चल रहा है, है ना। दो की वैल्यू निकालनी है सिर्फ हमें, सिर्फ दो की, और पैटर्न लगा दो। तो माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0 5 10,
एक बार क्रॉस चेक कर लेना। वैसे 90% केसेस में क्या होता है कि पैटर्न चल रहा होता है, ठीक है ना, तो हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं ईजी हो जाती है। तो अब डी आई कितना ईजी हो गया ना, अब मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है, पॉइंट वाला काम ही खत्म हो गया, डेसिमल वाला पार्ट ही खत्म हो गया अपना, तो बस एफ आई डी आई निकालना है अपन को, तो एफ आई डी आई का कॉलम बना देते हैं यहाँ। तो देखो 5 × -15, अब एक्स आई का कोई काम नहीं है, ये एक्स का कोई काम नहीं है, ख़त्म हो गया एक्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ से बस इन दोनों कॉलम का काम है, तो 5 × -5, तो ये कितना हो गया -75, है ना। 6 × -10 -60, फिर 8 × -5 -40, फिर 12 × 0 0, 6 × 5 30, और 3 × 10 30। अच्छा ध्यान से देखना, 30 + 30 क्या होता है, 60 होता है, तो ये 60 से ये -60 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो जो हमारा सम आया वो कितना है, -75 - 40। सम नेगेटिव में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो -70 - 40 कितना हो गया, -110, और ये 5, तो 115 हो गया, -115 हो गया, ठीक है ना। और फिर समीशन ऑफ एफ निकालना है, ठीक है ना, ये तो हो गया समीशन ऑफ एफ आई डी आई, ठीक है ना। और फिर अपन को समीशन ऑफ एफ निकालना है, तो समीशन ऑफ एफ निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 + 6 = 11, और 11 + 20 कितना हो जाएगा, 31, 31 + 9 = 40, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है ना, हो गई बात क्लियर, ठीक है। बस अब अपन को क्या करना है, इस फॉर्मूले में डालना है, अपना काम हो गया, है ना। तो अपन ने ए कितना अज्यूम किया था, यहाँ पे एक्स बार निकालना है, मीन निकालना है, तो ए कितना अज्यूम किया था, 27.5, तो यहाँ पर 27.5 डाल दो, ठीक है ना। प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया, -115, तो -115 डाल दो यहाँ, और ये कितना आया, 40, तो 40 डाल दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बार, ये तो 27.5 ही रहने देते हैं, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 5 से कितनी बार गया, ये 5 से 8 टाइम्स, ये 5 से 2 टाइम्स, और ये 23 टाइम्स, है ना। तो ये -23 हो गया, तो ये -23/8, इसको एक काम करते हैं डेसिमल में ही ले आते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये 8 × 2 = 16, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16 पॉइंट, है ना, 7 70, मतलब 8, है ना, 64 60 7, तो -2.87 हो जाएगा, बस इसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो x बार इक्वल टू 27.5 - 2.87, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 50, ठीक है ना, 10 में से 7 गया, कितना बचा, 3 बचा, ठीक है ना, 4, यहाँ 4 आ जाएगा, 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 6 बचा, ठीक है ना। यहाँ से भी कैरी लिया होगा, तो 6 में से 2 गया तो 4, और 24.63, तो जो हमारा मीन आ गया वो कितना आ गया, 24.63 आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं रब कर देती हूँ, क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे उस क्वेश्चन को अपन, ठीक है। मेथड यही रहेगा जो आप अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हो, बस थोड़ा सा कुछ आगे हमें और करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, कुछ स्टेप्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, कि क्लास दे रखी है हमें, क्लास है, क्वेश्चन इज मीन इज़ इक्वल टू 50, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 120, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 120, ऑलराइट, और हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ F1 and F2 is equal to what, ठीक है। तो क्लास क्या है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ठीक है। तो हमें एक्स आई में एक्स भी निकालना पड़ेगा जब क्लास है, तो एक्स का एक कॉलम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी निकाल देते हैं। तो 0 और 20 के बीच में क्या आता है, 10 आता है, तो एक्स कितना हो गया, 10, क्लास मार्क निकालना ही पड़ता है क्लास में, है ना, जो डायरेक्ट मेथड में चल रहे हैं। 20 से 40 के बीच में क्या आता है, 30 आता है, 40 से 60 में 50, 60 to 80 में 70, 80 to 100 में 90, निकल के अपना एक्स,
ठीक है, एफ कितना दे रखा है हमें, फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो कितनी है, 17, एफ वन 32, एफ टू और 19, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी का हमें निकालनी है वैल्यू कि एफ वन और एफ टू क्या है, ठीक है। अब देखो वापस से कैलकुलेशन काफ़ी टफ है ना, 19 × 9, ये 32 × 5, 7 × 10, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे तो आंसर तो वही आना है, ठीक है ना। तो अपन एक बार करते हैं इसको अज्यूम मेथड से, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, डी आई निकालना है। अब डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अच्छा, ए क्या अज्यूम करना है, मिड टर्म, राइट, एक्स की मिडल टर्म। तो ये एक्स में ये सबसे बीच में आ रहा है ना, एक्स की सारी वैल्यूज में से 50 सबसे बीच में आया, तो मैं ए 50 अज्यूम कर लेती हूँ। तो ठीक है, तो अपन को क्या करना है, एक्स आई में से 50 माइनस कर देना है, ठीक है ना। एक्स आई में से 50 माइनस कर देते हैं, चलो करते हैं। तो 10 − 50 डायरेक्टली करेंगे अपन, ना आपको लिखेंगे नहीं। तो 10 − 50, तो एक्स 10 है और ए 50 है, 10 − 50 कितना हो गया, −40। अच्छा, अब तो पैटर्न ही चल रहा है, ए दो का निकाल लो बस। फिर एक्स आई माइनस 50 मतलब 30 − 50 कितना हो गया, −20 है ना। 50 − 50 0, फिर ये 20 और ये फिर 40, पैटर्न चलता है, 20 का डिफरेंस चलता है, −40 − 20 0 20 40, डन, ठीक है। बहुत ईजीली हो गया ना, ईजीली हो गया ये। अच्छा, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एफ आई डी आई निकालना है अपन को, है ना। तो एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। तो जो एफ आई डी आई है वो होगा 17 × 4, 17 × 4 इज 68 है ना। तो ये कितना हो गया, −60 680 हो गया, ठीक है ना। और एफ आई इंटू −20, तो इसको ऐसे ही रहने दो, −20 एफ आई रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, −20 एफ आई रहने दो इसको, है ना। फिर 30, ये कितना हुआ, 32 × 0, तो 0 हो गया, है ना। इसको कन्फ्यूज मत होना, एक्स का कोई काम नहीं है अपने पास में, डी से काम है अपन को, है ना। और फिर ये कितना हो गया, 20 F2, ठीक है। और 19 × 4 है ना, 19 × 4 होता है 76, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 760, ठीक है। तो अब क्या करना है, समीशन निकालना है। अच्छा, इसका जो समीशन आएगा एफ का, वो कितना आएगा अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 17 + 19 34 प्लस कितना हो गया, 2 36 है ना। तो ये तो 36 हो गया, 36 + 32, तो ये कितना हो गया, 36 + 30 कितना हो गया, 66 + 2 = 68। तो ये कितना हो गया, 68। और एफ वन और एफ टू को एज इट इज रहने देते हैं, ये तो अपने अकॉर्डिंग समीशन ऑफ एफ आई है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी, एफ आई डी आई की, है ना। तो −60 = 680 और 760, तो 760 में से 680 गया तो 80 बचा, और इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो 80 − 20 F1 और +20 F2, ये अपना क्या हो गया, समीशन ऑफ एफ आई डी आई हो गया, ठीक है ना। अच्छा चलो, अब क्या क्या दे रखा है वो समझते हैं, अब क्या क्या दे रखा है पहले वो समझते हैं, ठीक है ना। मीन गिवन है हमें, मीन कितना गिवन है हमें, 50, ठीक है ना। तो मीन का यूज़ करते हैं अब, तो मीन इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 50 गिवन है, तो यहाँ डालते हैं 50। और इधर सम्मीशन ऑफ एफ आई जो बोल रहा है ना, कि टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सम्मीशन ऑफ एफ आई है ना, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी कितनी है, 120 है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 120 है, ठीक है ना। तो अपन डालते हैं यहाँ पे, तो एक्स बार, तो एक्स बार तो कितना है, 50, मीन ही 50 दे रखा है, तो यहाँ पे 50 डालो। ए कितना अपन ने अज्यूम किया है, वापस से 50 ही अज्यूम किया, तो 50 हो गया, प्लस सम्मीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना हो गया, 80 − 20 F1 +20 F2 है ना, अपॉन में सम्मीशन ऑफ एफ आई कितना है, 120, तो डालो 120, ठीक है ना। अच्छा, अब देखना ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, तो 50 से तो 50 वैसे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, 0 = 80 − 20 F1 + 20 F2 और यहाँ पे 120, कितना ईजी हो गया ना। ये 120 इधर जाएगा तो 120 × 0, 1 × 20 × 0 तो 0 ही होता है। तो अपने पास में क्या आ गया, 0 = 80 − 20 F1 + 20 F2, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ से देखो 20 कॉमन आ रहे हैं सब में से, 20 कॉमन आ रहा है, हटा दो सबको, हटा दो, तो 0 = 20 कॉमन लिया तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे F1 और ये F2 है ना। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो 4, ये कितना आ जाएगा, इधर लिया है इसको, तो F1 − F2 कितना आ गया, 4 आ गया। ये तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अच्छा,
अब बात ये आती है कि अगर अपन को दो वेरिएबल आते हैं, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो अपन ने पढ़ा है कि हमें दो इक्वेशन चाहिए, है ना। तीन वेरिएबल आ रहे हो तो तीन इक्वेशन चाहिए, चार वेरिएबल आ रहे हो तो चार इक्वेशन चाहिए, ऐसा चलता है। तो यहाँ दो वेरिएबल है, मुझे दो इक्वेशन चाहिए मिलेगी, तो अभी एक ही इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? दूसरी इक्वेशन आएगी इस वाले पार्ट से, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग समीशन ऑफ एफ आई कितना आया है? ये आया है 68 प्लस एफ वन प्लस एफ टू, है ना। दोनों चीज़ें इक्वली तो हैं, दोनों तो समीशन ऑफ एफ आई की बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्या आएगा, ये इक्वल टू 120 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 68 प्लस एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू कितना आ गया, 120 आ गया, है ना। फिर उसके बाद में ये एफ वन प्लस एफ टू, है ना, 120 माइनस 68, 120 में से 60 गया तो कितना बचा, 60, 60 में से 8 गया तो कितना बचा, 52। तो एफ वन प्लस एफ टू कितना आ गया, 52 आ गए। आ तो गई दो इक्वेशन, अब बस इसको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है, अपना आंसर आ गया, है ना। तो मैं यहाँ से ये पार्ट रब कर देती हूँ, सो दैट मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ, ठीक है ना। तो ये पार्ट अपन रब कर देते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन है एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू 52, और दूसरी इक्वेशन है एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो ये एफ टू से एफ टू कैंसिल हो जाएगा, तो एफ वन प्लस एफ वन कितना हो जाएगा, 2f1, और ये कितना हो जाएगा, एडिशन कर रहे हैं सिंपली अपन, ऐड कर रहे हैं ना। और 52 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, है ना। और एफ वन ये 2 मल्टीप्लाई में तो जाएगी डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा, 56 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 28, ये तो 28 आ गया, है ना। तो एफ वन तो आ गया अपना 28। अब अपन को एफ टू निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, चाहे इस इक्वेशन में एफ वन की वैल्यू डाल दो, चाहे इस इक्वेशन में डाल दो, आंसर आना है ना। तो मैं तो इसमें डाल रही हूँ, आप इसमें डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू 52 है, और अपना एफ वन कितना निकला, 28, तो 28 प्लस एफ टू इज इक्वल टू 52। अब ये 28 प्लस का है तो उधर आके माइनस का, तो एफ टू इज इक्वल टू कितना आ गया, 52 माइनस 28, है ना, जो कि इसके इक्वल है 24 के। तो एफ टू कितना आ गया अपना, 24। तो हमारी दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ वन है वो तो कितना आ गया, 28 आ गया, और एफ टू कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना, अगर कोई वेरिएबल हमें नहीं भी पता है, कुछ वेरिएबल में गिवन है, आप तो सेम स्टेप फॉलो करो, ठीक है ना। तो अपन को ये याद रखना है कि अगर एक वेरिएबल गिवन है तो मीन के फॉर्मूले से अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो वेरिएबल गिवन है तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, देखना ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा, ठीक है ना, उससे अपनी क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन बनेगी, और फिर वो सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और आज का लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।